हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे कैटेगरी के एक और वीडियो में। और आज बेसिकली मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन बस आपको करके दिखाऊंगा कि इस चैप्टर के जो भी कंसेप्ट है उनको हम यूज कैसे करें। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उससे उस पर जो है मैं शीट को डिस्कस करना शुरू करूंगा। राइट, तो चलिए शुरू करता हूँ और कुछ बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कुछ लेता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स is equal to x square minus 4 whole upon x minus 2। हाँ, और यहाँ पे हमें basically बताना है कि check whether the following function is continuous or not, right? हमें check करना है कि या हमें बताना है कि ये following function, ये जो भी है, ये हमारा continuous है कि नहीं है, right? अच्छा, तो अब आप सुनते जाइएगा मैं क्या क्या बात आपको बोलने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले चीज, जो भी हमारा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कैसे कि ए पे हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना। जैसे लास्ट वीडियो पे मैंने जो भी आपको ग्राफ्स बना के दिखाए थे वो सारे ग्राफ कैसे थे, वो ग्राफ थे हमारे कंटिन्यूटी एट ए को चेक कराते हुए कि ए पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, राइट? तो अब जो है हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी हमको वैसे ही करना होगा। लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए कि वो जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट ए है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत क्रिटिकल होता है वो चीज, ठीक है? अब हमको पता है कि इसको कंटिन्यूस, मतलब बताना है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूस कब होगा, जब ये हर पॉइंट पे डिफाइन हो रहा होगा, और अगर किसी एक पॉइंट पे भी ये डिफाइन नहीं हुआ, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये किसी भी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं हुआ तो वहां पे हम बोल देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है? पूरा का पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा अगर एक ब्रेक भी आ गया ग्राफ में तो। हाँ, तो देखिए, ब्रेक आने की संभावना कहाँ होती वो समझिएगा। अब नॉर्मली देखें तो ये हमारा एक रैशनल फंक्शन है, फंक्शन अपॉन फंक्शन टाइप का है, और ऐसे फंक्शन जो बेसिकली जनरली पॉलिनोमियल्स हर जगह डिफाइन होते हैं, राइट? तो दिक्कत कहाँ पे आ सकती है अगर कोई संभावना है, तो वो संभावना है ये, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, राइट? तो मतलब कि अगर हम एक्स का टू ले लेंगे तो हमें दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पे आपको चेक कराना होता है कंटिन्यूटी, तो वही पॉइंट्स हम चेक कराते हैं जहां पे या तो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, वो पॉइंट, जैसे कि टैन का फंक्शन चेक कराना तो 90 पे चेक कराते, ठीक है? और अगर हमें ये फंक्शन चेक कराना है तो इसका डिनोमिनेटर देखने कब जीरो हो जाएगा, तो हमको पता है कि 2 पे जीरो हो जाएगा। हाँ, और उसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान दीजिए तो और क्या चीजें हो सकती है, अगर फंक्शन हमारा पीस वाइज होता, जो मैं अभी एक एग्जांपल कराऊंगा उसका, तो पीस वाइज फंक्शन होता तो वहां पे बेसिकली अगर हमको से कंटिन्यूटी ब्रेक होने का कहीं कोई संभावना होती तो बेसिकली वो वही संभावना थी जहां पे फंक्शन हमारा डेफिनेशन चेंज कर रहा है, राइट? अच्छा, तो पहले तो फिलहाल इस केस में करते हैं, आगे देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये कि सिंस द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू, सो 2 is the only point at which we have to prove its continuity or check its continuity. बाकी हर जगह ही continuous होगा, ठीक है? तो ये लिख सकते हैं since it is a rational function, so therefore it is continuous everywhere except x equals 2. तो हमको x पे जो इसको check कराना होगा कि x पे continuous है या नहीं है. Sorry, x पे नहीं, हमें इसे 2 पे check कराना होगा कि continuous है या नहीं है. तो चलिए हम वहाँ पे आगे बढ़ते हैं. तो let's say कि क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे. अच्छा, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कहां पे चेक कराएंगे, हम 2 पे चेक कराएंगे. आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम 2 पे ही क्यों चेक करा रहे हैं, क्योंकि हम 2 पे इसीलिए चेक करा रहे हैं क्योंकि 2 पे ही ये अनडिफाइंड हो रहा है, राइट? तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स लिखते हैं. अच्छा, अब इस लिमिट को हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, तो इसको देखिए हम इवेल्युएट कैसे करेंगे. इसको इवेल्युएट करने के लिए बेसिकली हम लेट x इक्वल्स 2 माइनस एच, वेयर h टेंड्स टू 0 करेंगे, है कि नहीं? x को 2 माइनस h करेंगे और x h को 0 पे टेंड कराएंगे. अच्छा, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, तो लिमिट एज h टेंड्स टू 0. अच्छा, x स्क्वायर है हमारे पास, तो यानी कि 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2, ठीक है? अच्छा, अगर ऐसा है तो ये देखिए अब आपका क्या आ जाएगा, लिमिट एज एच टेंड्स टू 0, तो फिर ये आ जाएगा 4 माइनस या प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 एच
माइनस फोर होल अपॉन टू, और टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे माइनस एच। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, फोर और फोर कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या, लिमिट एज एच टेंड्स टू जीरो, आप यहां से एच कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा एच माइनस फोर होल अपॉन माइनस एच। तो ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे कहां पे, आपके पास ये आ जाएगा एच की वैल्यू जीरो, और एच की वैल्यू जीरो आ गई तो फिर ये आ गया माइनस फोर, नीचे आया माइनस वन, फाइनल आंसर आ गया फोर। राइट, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया फोर का, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई फोर। अब मैं राइट हैंड लिमिट को चेक कराता हूँ, राइट हैंड लिमिट को मैं चेक कराता हूँ, तो राइट हैंड लिमिट को जब मैं चेक कराऊंगा तो देखिए क्या लिखूंगा, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू टू प्लस ऑफ एफ एक्स। अब यहां पे देखिए मैं क्या पुट करता, मैं पुट करता लेट एक्स इक्वल्स टू प्लस एच वेयर एच टेंड्स टू जीरो, और जब मैं x को 2 प्लस एच मानता और h टेंड्स टू 0 करता तो मेरे पास क्या आता, लिमिट एज h टेंड्स टू 0, नीचे देखिए 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन 2 प्लस h माइनस 2। और मुझे यकीन है कि आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो मैं इसे मेंटली कर देता हूं, तो आपको पता है कि ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 4h बचेगा आपके पास, और आप h स्क्वायर को जो है वहां पे एलिमिनेट कर पाएंगे, तो नीचे से नीचे प्लस वन आएगा बस, तो नीचे प्लस वन आया, ऊपर आपके पास आया फोर है जिसमें से एच कॉमन आ चुका था फोर, तो ये फाइनल आंसर आएगा फोर। तो अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि एलएचएल और आरएचएल तो बराबर हैं, ठीक है, तो एलएचएल और आरएचएल तो बराबर हैं, तो आप वहां पे क्या बोल सकते हैं, एलएचएल आरएचएल जब भी बराबर हो गए, तो अब ये देखिए तीन केस मैंने आपको बताए थे, एक केस जहां पे गैप था, एक केस जहां पे जंप था, और एक केस जहां पे जो है बेसिकली ना गैप था ना जंप था। तो ना गैप था ना जंप था, वो वाला केस तो कंटिन्यूस था, जहां पे गैप था वो डिस्कंटिन्यूटी थी और रिमूवेबल थी, और जहां पे जो जंप था वो तो डिस्कंटिन्यूस था रिमूवेबल भी नहीं था। तो अब देखिए यहां पे जब एलएचएल आरएचएल बराबर हो जाती है, तो जंप वाले केस में एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं हो रहा था, तो उसमें बराबर जब नहीं हो रहा था तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो भी फंक्शन है हमारा ये कैसा है, ये अब वो केस तो नहीं है, मतलब इसमें या तो कंटिन्यूस है या तो ये फंक्शन, या तो ये ऐसा डिस्कंटिन्यूस है जिसकी डिस्कंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। राइट, अच्छा, तो ये हमारे पास पहले तो अभी हम यहां पहुंच गए। अब आप देखिए आपको फिर आगे क्या कराना होता है, आपको सिर्फ इतने पे आप तो रुक नहीं सकते कि LHL is equal to RHL है, जब LHL is equal to RHL हो जाता है तो फिर आप इसको फिर f of a भी चेक कराते हैं, मतलब जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर आप देखें तो f of 2, क्योंकि हम 2 पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो f of a की वैल्यू देखें तो आपको पता है कि ये अनडिफाइंड आ रही है। राइट, अनडिफाइंड आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो क्लियरली f of a is not equal to LHL and RHL, तो LHL RHL आपस में तो बराबर है लेकिन f of a बराबर नहीं है। तो जब f of a बराबर नहीं है तो आप समझ गए हैं कि अगर f of a भी बराबर हो जाता तो कंटिन्यूस वाला केस हो जाता, जो पहला केस है, ठीक है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो आप समझ गए कि दूसरा वाला केस है, तो मतलब कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है और इसकी डिसकंटिन्यूटी क्या है, रिमूवेबल है। ठीक, अच्छा, तो आपको पहले अगर मान लीजिए क्वेश्चन क्या होता, क्वेश्चन होता कि चेक whether the following function is continuous or not, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं, the function is not continuous या the function is discontinuous, clear है, आप ये बात बोल देते हैं। अच्छा, उसके अंदर उसमें आगे एक और स्टेटमेंट ऐड कर देता कि अच्छा if discontinuous comma remove the discontinuity, ठीक है, तो redefine the function in such a way that the discontinuity is removed, right? तो देखिए मैं इसको कैसे remove करूँगा इसके discontinuity को, तो मैं the function को redefine करूँगा, तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा fx is equal to, अच्छा इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, या यहाँ पे शायद आपको दिख ना रहा हो तो मैं ये साइड रब कर देता हूं, हाँ तो ये देखिए मैं लिखता एफ एक्स, आप पीछे जाके उसे कॉपी जरूर कर लीजिएगा, लेकिन तो एफ एक्स ये आता एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल अपॉन एक्स माइनस टू फॉर एक्स नॉट इक्वल टू टू, तो जब तक एक्स नॉट इक्वल टू टू है तब तक आप इसको ये रखिए और आप इसको फोर कर दीजिए जब एक्स इक्वल टू टू है तो, ठीक है। अब देखिए मैंने इस डेफिनेशन का फायदा मुझे क्या होगा, इस डेफिनेशन का फायदा ये होगा कि देखिए मेरा एलएचएल और आरएचएल तो बराबर आ रहा था, एलएचएल आरएचएल मेरा बराबर आ रहा था, उसके साथ ही साथ अब अगर मैं एफ ऑफ टू लिखता तो मेरी वैल्यू क्या आती, मेरी वैल्यू आती 4, क्योंकि मैंने इसको रीडिफाइन कर दिया है, मैंने f of 2 पे इसकी वैल्यू ही चेंज कर दी है, तो
तो मैंने एफ ऑफ टू पे जब इसको वैल्यू 4 दे दी, तो अब उसका फायदा देखिए क्या होगा, अब एल एच एल आर एच एल 4 आए और साथ ही साथ एफ ऑफ टू भी वही आया, तो हमारी कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होने लगी। तो हमने फंक्शन को ऐसे रीडिफाइन कर दिया कि इसकी जो कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है, वो चली गई और फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया। ठीक, तो मैंने यहाँ पे दो चीजें जो है आपको क्लियर आउट कराई इस क्वेश्चन में। पहली चीज क्या थी कि आपने चेक करना सीखा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है, और दूसरी चीज आपने क्या देखी, आपने दूसरी चीज ये देखी कि इसको अगर डिसकंटिन्यूस है और रिमूवेबल है तो हम उसे कैसे रिमूव करें। अगर डिसकंटिन्यूटी हमारी नॉन रिमूवेबल आती तो फिर हम इसको रिमूव नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, ये समझ गए, इस कंटिन्यूटी खास बात है कि इसका एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आप सब क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर एक क्वेश्चन नहीं कर पाए, पहला क्वेश्चन नहीं कर पाए इसका, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही चीजें इसमें जो इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके बाद चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ लेता हूँ, शेयर करता हूँ, तो मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने जो दो बातें बताई हैं आपको, आपको उनका बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद लेट से बोला जाता कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसकी आप कंटिन्यूटी को एग्जामिन करिए। तो देखिए इसकी कंटिन्यूटी को मैं कैसे एग्जामिन करता, मुझे पता है कि एफ एक्स, ठीक है, जब मॉड एक्स होता है तो वो क्या होता है, तो हम लिखते हैं इसको फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो सीधे वही वैल्यू देते हैं, और माइनस एक्स लिखते हैं जब एक्स हमारा ग्रेटर लेस देन जीरो होता है, तो राइट तो ये डेफिनेशन होती है इसकी। अच्छा, और अगर मॉडुलस फंक्शन में आपको दिक्कत है तो मैं बहुत ही जल्दी अपनी जो आई टी जेई वाले प्लेलिस्ट में मॉडुलस का वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, तो वेवी कर्व खत्म होते ही जो अगला वीडियो आएगा वो मॉडुलस का ही होगा, तो आप ध्यान देंगे, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा मॉडुलस फंक्शन को, राइट। तो ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब देखिए लास्ट वाले केस में जो फंक्शन था वो हमारे पास एक रैशनल फंक्शन था, तो रैशनल फंक्शन में बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमने आपको बताया था कि जहां पे फंक्शन के अनडिफाइंड होने की संभावना है, सुनिएगा, जहां पे फंक्शन के अनडिफाइंड होने की संभावना होती है, मतलब जहां पे डिनोमिनेटर में जीरो आ सकता होता है, ठीक है, या रूट में नेगेटिव आ सकता होता है, फंक्शन वहीं पे डिसकंटिन्यूस होने के उसके चांसेस रहते हैं, वहीं पे वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है। हाँ, लेकिन जब फंक्शन पीस वाइज होता है, जैसे इस फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, दो अलग अलग पीस में डिफाइन हो रहा है, तो जब फंक्शन पीस वाइज होता है तो वहां पे उसके डिसकंटिन्यूटी होने की संभावना होती है उन पॉइंट्स पे जिन पॉइंट्स पे वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है, राइट। अच्छा, ये किस पॉइंट पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, देखिए ये चेंज कर रहा है जीरो पे, ठीक है, क्योंकि देखिए जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है, तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है जीरो पे, तो इसका अगर डिसकंटिन्यूस होने की कहीं संभावना है तो हमें चेक कराना होगा क्या, जीरो पे। हाँ, तो तुम यहाँ, तो फिर हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि लेट से कि क्या स्टेटमेंट देंगे हम यहाँ पे, हाँ स्टेटमेंट हम ये दे देंगे कि सिंस द फंक्शन इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर हाँ वी विल हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। हाँ, अच्छा, उसके बाद बहुत ही नॉर्मल सा काम करना है हमको। अच्छा, और आपको पता है कि मॉड एक्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट अगर आप दोनों निकालेंगे जीरो पे, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए ऑफ मॉड एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ए, ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन आपका हर जगह कंटिन्यूस होता है, तो उस हिसाब से तो सिंस ये होता है तो आप देयरफॉर बोल सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आएगी। और अगर आपको इस पे बिलीव नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरा बताया था कि इसको 0 प्लस एच और 0 माइनस एच मान लेंगे, एच टेंड्स टू 0 कर देंगे और उसके बाद आप चेक करा लेंगे तो एल एच एल आर एच एल आपका बराबर ही आएगा। हाँ, तो लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपकी एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आ गई, तो दिस इंप्लाइज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है मॉडुलस फंक्शन की। अच्छा, ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ यूज कर दिया, एक फैक्ट जो है उसको यूज कर दिया। हाँ, लेकिन एग्जाम में आपके पास वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जहां पर आप कोई फैक्ट को यूज कर पाएंगे, वहां पर आपको हर जगह एल एच एल आर एच एल को प्रूफ करना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा, फिर देखिए उसके साथ ही साथ आप एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको अगर ये बोला जाता कि एफ ऑफ जीरो क्या है तो आप क्या लिखते, एफ ऑफ जीरो आपका आता जीरो, क्योंकि देखिए मॉड एक्स में एक्स लिख देना है कब, जब एक्स जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा हो। हाँ, तो यानी कि एल एच एल और आर एच एल, एल एच एल जीरो आया, आर एच एल जीरो आया, एफ ऑफ जीरो भी जीरो आया, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस
एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो. सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो. और अगर ये फंक्शन x इक्वल जीरो पे कंटिन्यूअस है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये फंक्शन x इक्वल जीरो पे कंटिन्यूअस है तो मतलब ये हर जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूटी होने की कोई संभावना होती तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे होती है, वो क्या है, जिस पॉइंट पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है, एक पीस वाइज फंक्शन जिसपे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है, राइट. तो बस जीरो पे ही इसके डिसकंटिन्यूअस होने की संभावना थी और कहीं नहीं थी, ठीक है. तो ये दो मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए जो क्वेश्चन बहुत ही आपके एलिमेंट्री थे लेकिन आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे थे. तो खूब थॉरली देखिए वीडियोस को, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो आऊंगा उस पर आपके साथ शेयर डिस्कशन करूंगा, ठीक है. चलिए, थैंक यू.